नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की सबसे बड़ी खबर के साथ में। जी आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कर दिया गया बड़ा ऐलान। जी आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा 2022 में काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसमें आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई। इसके अलावा एमपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में प्रूफ के साथ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में। एक बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर। और इसी कड़ी में बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है, उसकी जानकारी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी, जिसका इंतजार काफी सारे लाखों छात्र कर रहे हैं और अब आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। दो दिन के भीतर भीतर आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करने वाले जो बड़े बदलाव की, तो सरकार ने कहा कि इस बार यदि किसी भी छात्र के 70% से ऊपर नंबर बन जाते हैं तो उन सभी को स्मार्टफोन और जो लैपटॉप वो वितरण किया जाएगा। सरकार ने सभी छात्रों को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है और छात्रों के हित में ये सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया। पहले ये था कि यदि कोई छात्र मेरिट में आता है या फिर उनके 85% से ऊपर नंबर बनते हैं तभी उसको लैपटॉप वितरण किया जाता था। हालांकि कुछ राज्यों में नहीं किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि सभी जो बोर्ड है वहाँ पर ये नियम वो लागू रहेगा और वहाँ पर स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए जाएंगे। हालांकि ये नहीं बताया कि किन किन छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और किन को लैपटॉप दिया जाएगा, ये आपको आगे आने वाले वीडियो में हम जानकारी दे देंगे जल्दी। इस पर आप सभी लाल क्या रखें कमेंट सेक्शन में जुड़ लीजिएगा। धन्यवाद।